गुजरात में और उत्तर प्रदेश में जिस किस्म का रिप्रेसिव रिजीम है, सारे लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने ताक पे रखा हुआ है, पुलिस राज चल रहा है। और गुजरात के अंदर लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नेताओं को जाने से रोका गया, सबको अंदर बंद कर दिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं, हम अपने गुजरात के साथियों के साथ हैं। गुजरात सरकार जो कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल साफ तौर पे खिलाफ है। सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि लगता है मंत्री जी को एक किसान अपने साथ फोटो वाला नहीं मिलता, कि एक हमारा ट्रांसपोर्टर भाई पहुंच गया, उसको ही लगा के इन्होंने चला दिया। ऐसी हालत इस सरकार की हो गई है, सोचो आप। देश पे खजाना है, लेकिन जब किसान को देने का नाम आता है तो सरकार कहती है खजाना नहीं है। पिछले साल 5,00,000 करोड़ निकाल के कारपोरेट को बांट दिया और जवाब नहीं आया मंत्री को। जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है, और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। और इसके अलावा जो सांझापुर की जो घटना हुई है, सांझापुर बॉर्डर के ऊपर हरियाणा से प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या सांझापुर के ऊपर बॉर्डर के ऊपर भेजी जाए, ताकि ये आंदोलन और मजबूती से लड़ा जाए। और सरकार से जो बातचीत हुई है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, केवल 5% ही बातचीत हुई है। सरकार दोनों जो मुख्य मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन बड़े जोश के साथ लड़ा जाएगा। और हरियाणा के सभी संगठनों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो भी संयुक्त मोर्चा यहां से आदेश करेगा, उसके आदेश के ऊपर शांति और संयम के साथ आंदोलन लड़ेगा। और आगे से हरियाणा की के जितने संगठन हैं उनकी मीटिंग जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर नियमित रूप से करी जाएगी। आप सबका धन्यवाद। भाइयों, मैं मंजीत सिंह राय, प्रेसिडेंट बीकेडी डाबा पंजाब। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, जैसे हमारे भाइयों ने बोला, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अकेली पूंछ लेकर नहीं जाएंगे, पूरा हाथी लेकर जाएंगे। तो हमारा जो हाथी है वो तीनों कृषि कानून हैं, इनको रद्द किए बिना कोई बात हल नहीं होने वाली और ना ये आंदोलन पीछे हटने वाला है। सीधी बात है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रिपील करे, जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये कानून जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा, जन आंदोलन बनेगा। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूं, पंजाब से आता हूं, और हमारे जो मुख्य फसल गन्ने की है, गन्ने का भाव नामात्र सरकार बढ़ाती है, तो इस बार पंजाब सरकार ने कोई रेट अनाउंस तक नहीं किया। तो आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि यह मत समझे कि यह आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। अगर हमारे जो साथी वहां पर हैं, उनके ट्रैक्टर दिल्ली आ गए जो वहां पर हैं, वो पूरे के पूरे पंजाब की जो विधानसभा है उसकी तरफ सीधा कर देंगे हम। उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गन्ने का रेट, क्योंकि सीजन चल रहा है, एक महीने से क्रशिंग चालू है, अभी तक उन्होंने रेट तय नहीं किया गन्ने का। तो ये आपके माध्यम से मैं जोरदार कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार और नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने का रेट है वो बढ़ना चाहिए, और वो भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उसको रेट गन्ने का बढ़ाकर देना चाहिए, और जो पीछे का बकाया वो तुरंत रिलीज करना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, दो सूचना और है। एक तो कल शाहजहांपुर के अंदर जो घटना हुई उसके बारे में आपको पता लगा होगा कि हमारे कुछ युवा साथियों ने बैरिकेड तोड़ा और वो आगे चले गए,
उसके बारे में बस दो तीन चीज सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहली बात ये कि शाजापुर का मोर्चा यहां पे तय करके संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया था कि शाजापुर में मोर्चा लगना चाहिए। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, सारे संगठनों ने जिम्मेवारी कबूल की थी, सबके जॉइंट डिसीजन से वो मोर्चा लगा था। नंबर दो, जो वहां की लोकल कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया था और संयुक्त किसान मोर्चा की नेशनल लीडरशिप भी उस फैसले के साथ थी कि अभी फिलहाल हमें उस मोर्चे को वहीं टिकाए रखना है। ये कम्युनिकेट हमने हमारे युवा साथियों को किया था कि भाई ये यूनैनिमस डिसीजन है, लोकल कमेटी का भी नेशनल कमेटी का भी, कि फिलहाल इस मोर्चे को हमें यहीं रहना है। तो जो साथी वहां पे बने रहे वो एक नेशनल डिसीजन का पालन कर रहे थे, तो वो मोर्चा बिल्कुल कायम है। अधिकांश लोग, अधिकांश साथी, व्हीकल, मैंने एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह सब मंगवा लिए हैं, सब कुछ वहां है। शाजापुर का मोर्चा जहां था वहां है, कायम है और कायम रहेगा। जैसा मैंने बताया, अगर हमारी वार्ता की प्रोग्रेस ठीक नहीं होती तो अगले हफ्ते भर में आपको बता देंगे कि वो मोर्चा आगे कब मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है। जो युवा साथी हमारे आगे बढ़े उनकी मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, सरकार इतना थका रही है, हमारे साथियों को थकाने की कोशिश कर रही है कि कई युवाओं को नेचुरली लगता है कि बस कब तक बैठे रहेंगे, अब आगे बढ़ें। उनसे हम बातचीत करेंगे, हमारे अपने साथी हैं, उनसे बातचीत जारी है, उनसे बातचीत का सिलसिला हम बनाए रखेंगे। और एक सूचना ये आपके लिए, प्रेस वाले साथियों के लिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब दिल्ली में हो रही है जिसमें 7 मेंबरी कमेटी के सारे सदस्य वहां उपस्थित होंगे, जिसमें पूरा कल 12:30 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप अपने ऑफिस को बताना चाहें वहां के लोगों को भेजने के लिए, प्लीज बता दीजिएगा कल 12:30 बजे 7 मेंबरी कमेटी के सारे सदस्य प्रेस से इंटरेक्ट करेंगे। जो कोर्ट में चल रहा, जो सरकार से वार्ता में चल रहा है उसके बारे में, और आगे जो पूरा प्रोग्राम है वो कल सामने अनफोल्ड किया जाएगा। योगेंद्र जी, एक सवाल है जी। हाँ, बस क्वेश्चन प्लीज। जी हाँ जी, एक सवाल है, प्रवासी ढुंडर जिहड़ा ट्रक एसोसिएशन दे उन्हें कहे ट्रक गड्डियां लेके जाते हैं, वोल्वो बस लेके जाते हैं, उन्होंने फोटो वायरल हो रही है कि केंद्रीय मंत्री नाल एक किसानों ने फोटो खिंचवाई है। उस तो बाद उन्होंने स्पष्टीकरण बहुत दिता, अज उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोई भी जथेबंदी नू, जथेबंदी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता कि मेरे नाल नहीं खड़ी, हालांकि 8 तरीक तो उन्होंने पूरे भारत में ट्रक बंद करने का सदा दिता। देखो, उन्होंने असी धन्यवाद करते हैं, सानू प्रोवाइड कर सर बस सर्विस, पर उन्होंने कोई ये राइट नहीं सी कि वह किसान, कोई किसान ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे नहीं सन, असं तुहानू सारे जानकारी दे दें। और उन्होंने अंदर जाके खाने के टाइम उन्होंने जो सैल्फी ली आ, साडे आई टी सैल ने भी असं ताडे जिहड़े कि हुण दुबारा फिर उदों ही कंडैम करता सी भी कोई किसान संगठन का नुमाइंदा नहीं गा। और असं इहदे ते भी सोच रहे हैं कि जे इस तरह का कोई भी व्यक्ति आ, भावें किड्डी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप नूं कहिंदा है, वह साडे संघर्ष दे नाल नहीं चलता, वह तो कोई वखरी भी गल करता है, जिहदे नाल शंकेजार हुंदे ने इह जिहियां सैल्फियां लैण नाल, उह जे बंदियां तों असीं किनारा करिए। तो होर बहुत लोग ने सच्चे दिओ, सच्चे मनो सेवा करन वाले, असीं बस सर्विस भी आपदी बदलांगे। माइक अपने कोले रखियो जी, तुहानूं इह सवाल आ, तुसीं जिहड़ी गल खड़ी कीती कि उत्थे जिहड़ियां साडे नाल सहमतियां कीतियां, शब्द भी वरते उन्होंने सहमति हो गई, उस तों बाद हुण तुसीं कह रहे अजे लिखत ही नहीं आया, जे 4 तरीक तक कोई लिखती नहीं आउंदा ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ MSP ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000 ਕਿਸਾਨ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਮੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ जिस किस्म का रिप्रेसिव रिजीम है, सारे लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने ताक पे रखा हुआ है, पुलिस राज चल रहा है, और गुजरात के अंदर लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नेताओं को जाने से रोका गया, सबको अंदर बंद कर दिया गया, हम उसकी निंदा करते हैं, हम अपने गुजरात के साथियों के साथ हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा नेता हमारे पास आए भी हैं, शाजापुर में भी हैं, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी व्यवहार हो रहा है, हम उनसे संपर्क में हैं, और हम इस तरह के सरकारी
सरकारी कामों की निंदा करते हैं और याद दिलाते हैं कि गुजरात सरकार जो कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल साफ तौर पे खिलाफ है। योगेंद्र यादव जी, एक सवाल आपका है। 26 जनवरी सारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ना, कल भी कुछ हो जाएगा। बाबा रामदेव जी ने इन किसान बिलों का समर्थन किया है, ये अच्छे हैं, तो जब अडानी और अंबानी का विरोध हो रहा है तो बाबा रामदेव का क्यों? कईयों का नंबर आएगा, अडानी अंबानी को तो प्रतीक के रूप में अभी लिया है, नंबर कईयों का आएगा, आप बात आराम से कर लेंगे। एक साहब ने कहा कि मुलाजमान की पिछले दफा इनी जी है सैलरी जो वधी आ, साडा घटे जी, वो तुम मुलाजम वर्ग की जी सैलरी वो पैरलर फिर गल जा रही है जी, वो थोड़ा साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हमने उनका विरोध नहीं किया कि क्यों बढ़ा है, हमने एक आंकड़ा दिया है कि देश पे खजाना है, लेकिन जब किसान को देने का नाम आता है तो सरकार कहती है खजाना नहीं है। पिछले साल 5,00,000 करोड़ निकाल के कारपोरेट को बांट दिया और जवाब नहीं आया मंत्री को। अभी जो पिछली मीटिंग थी उसमें मंत्री जी को जवाब नहीं आया कि कारपोरेट को देने के लिए 70,000 करोड़ मूर्ति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, उनको देने के लिए खजाना है, किसान को देने के लिए खजाना नहीं है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ये नहीं कि उस बात को दूसरी तरफ कोई मतलब जाए कि हमने कर्मचारियों के विरोध तक की है। डॉक्टर दर्शनपाल जी, तुहानू सवाल है कि जिहड़ी गल आई कि उत्थे कहिंदे उस दिन मंत्री ने बाहर आके कहा कि साडी सहमति हो गई, जदों के साफ जा रही थी गल के सरकार चुकी है, उसे तरह कहते उन्होंने एक शब्द कहा थोनू सारे नु के रद्द का कोई बदलवा शब्द लभ लो ताकि साडी इज्जत रह जाए, हुण रद्द का शब्द आपां लभ रहे कि उहदे अफसर लभ रहे ने? नहीं नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो उन्हें कहा उहदा जवाब वो देणगे, असीं तां वही रिपील दे उत्ते खड़े कि रद्द किवें होई। फेडरल सिस्टम के ऊपर इंक्रोचमेंट है, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल होने से ही ये बात बोली जा सकती है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूं और पंजाब के नाते मैं जो बाकी प्रांतों के लोग हैं उनको उनके लिए भी इसी तरह की ये उत्पीड़ित बात है जैसे हमारे लिए है। सो दैट इज वन बेसिस जिसके ऊपर हम इन कानूनों को गलत बोलते हैं। वैसे वो बलवंत सिंह जी वाली जो बात आई थी उसमें मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं कि उस बंदे ने खुद भी बहुत बार क्लेरिफाई किया है कि भाई मेरा इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है और बिल्कुल इनके खिलाफ हूं, हर हालत में खिलाफ हूं। सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि लगता है मंत्री जी को एक किसान अपने साथ फोटो वाला नहीं मिलता, कि एक हमारा ट्रांसपोर्टर भाई पहुंच गया उसको ही लगा के इन्होंने चला दिया, ऐसी हालत इस सरकार की हो गई है, सोचो आप। डॉक्टर